ड्राइवन में आलमी तबलीगी इज्तमा का दूसरा मरहला दुआ के साथ अहतमाम पसीर। मौलाना इब्राहिम ने इज्तमाई दुआ कराई। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन अमान के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। रफ़क़त अमीज मनासिर, गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह के हुज़ूर बख्शिश के तलबगार। शरका ने रात ज़िक्र व अज़कार और ख़ुसूसी इबादत में गुजारी। इज्तमा में फैसलाबाद, कराची, डेरा इस्माइल खान और सवात डिवीजन से हजारों अफराद की शिरकत। भारत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र और शाम से भी लोग आए। वजीर दाखिला बराए मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी की भी इज्तमा में शिरकत। तबलीगी बयान सुना, उलमा के साथ खाना भी खाया। दूसरे मरहले के अहतमाम पर काफिलों की वापसी शुरू। सामान उठाए लोग बसों, वैगनों और मोटरसाइकिलों पर वापस घरों में रवाना होने लगे। रायवन की राबिता सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। रायवन कोट, राधा किशन रोड, मांगा रोड और सुंदर रोड पर यकतरफा ट्रैफिक चलाई जाने लगी। सीटीओ ने ट्रैफिक की रवानी का जायजा लिया। डकैती की वारदात या तरीना दुश्मनी, थाना हडियारा की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। सुबान नामी शख्स सर में गोलियां मारकर कत्ल। मुल्तिमान लाश नटरोड गांव के करीब फेंक कर फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर में स्मॉग के डेरे, फजा आलूद, स्मॉग और धुंध का गठजोड़। मतला अबर आलूद, सूरज और बादलों की आंख मचोली। खुश्क सर्दी बढ़ने लगी, आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। सबको बाराने रहमत का इंतजार। गवर्नर हाउस के दरवाजे सातवें रोज भी आवाम के लिए खुल गए। लोगों की फैमिलीज के साथ आमद, बच्चों की खूब मौज मस्ती, झील, पार्क और शटल सर्विस के मजे। छुट्टी के रोज लाहौरियों का तगड़ा नाश्ता, फैमिलीज के हमरा घरों से निकल आए। गवाल मंडी में नाश्ते की दुकानों पर रश, नान, पाए, मकस, बोंग, हलवा पूरी से लुत्फंदोज हुए। और इतवार के रोज मनचले लाहौरियों ने सजा लिया क्रिकेट का मैदान। मुगलपुरा रोड पर क्रिकेट मैचेस, छोटे और बड़े क्रिकेट खेलने में मगर।